हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पॉकेट बनाना बताऊंगी। उस पॉकेट बनाने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है जिसकी चौड़ाई है 14 इंच और जिसकी लंबाई मैंने ली है 11 इंच। अब इस कपड़े को हमें बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है, विड्थ वाइज सेंटर से फोल्ड करना है। और ये जो हमारे पॉकेट की लेंथ है, ये आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। आपके पास जितना कपड़ा है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इतना ले रही हूँ कि कम से कम इसमें एक मोबाइल आराम से आ जाए, इसलिए मैंने सेफ साइड इसको 11 इंच की लेंथ ली हुई है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से हमें हल्का सा घुमाव देना है, इस तरह से देखिए, हल्का सा घुमाव देते हुए इसको पॉकेट का शेप देना है और इसको कट कर देना है। पॉकेट की कटिंग हो चुकी है, मैं आपको बताती हूँ कि इसको अटैच किस तरह से करना है। अब मैं ये प्लाजो बना रही हूँ तो मैं पॉकेट इसमें अटैच करूंगी। ये मेरी प्लाजो का फ्रंट पार्ट है, तो जो भी हम पॉकेट अटैच करते हैं वो हमारी जो पैंट या प्लाजो या सलवार कोई भी है उसके फ्रंट पार्ट में हम इसको अटैच करते हैं। तो ये मैं एक साइड पे इसको अटैच कर रही हूँ। अब ऊपर से लगभग 1 इंच मैं मार्जिन छोड़ते हुए नीचे पे 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा रही हूँ, इस तरह से। और एक निशान यहाँ पर ऊपर पे इस तरह से हमें लगाना है। ये निशान उसके लिए है जिसे हम इस तरह से जब पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उसकी चौड़ाई जितनी होनी चाहिए ये उतनी है। अब यहाँ पर अंदर को लगभग 1/2 इंच तक मैं ले रही हूँ, और 1/2 इंच लेने के बाद इस तरह से हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर देना है। अब मैं ये पॉकेट ले रही हूँ, ये जो हमने पॉकेट कट करी थी ये है, और ये जो पॉकेट का है, ये जो पॉकेट है ये रॉन्ग साइड है, ये उल्टी साइड है पॉकेट की, कपड़े की उल्टी साइड है ये। और इसको हम ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल ऊपर मिलना चाहिए इस तरह से, और इसको मिलाते हुए हम इस तरह से इसको रखेंगे। और ये जो भी हमने नीचे मार्क किया था हम इसको भी पॉकेट में लगा लेंगे इस तरह से, सेम जैसा नीचे निशान लगाया था वही ऊपर पे मैंने ट्रेस कर दिया है। इसमें इस बात का ध्यान दें कि पॉकेट और कपड़े की राइट साइड दोनों एक दूसरे की ओर फेस करते हुए होनी चाहिए, और ये इस तरह से हमारा फोल्ड होके बाद में बन जाएगा। अब ये जो हमने निशान लगाया है, इस निशान पे हमें इस तरह से बिल्कुल सिलाई लगानी है। ये जो भी निशान हमारा आया है बिल्कुल इस निशान के ऊपर हमें सिलना है इस तरह से। यहाँ पर टेढ़ा सिला साइड में, और सुई को उठाया, और यहाँ पर इस तरह से हमें नीचे को सिल देना है। अब यहाँ पर यहाँ कॉर्नर पे फुट नीचे होना चाहिए, सुई नीचे होनी चाहिए, फुट को उठाया और इस तरह से टर्न करते हुए फिर सिल दिया। ये आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसमें सिलाई लगा दी है। और अब हम क्या करना है, ये सिलाई के बाहर पे 1/2 इंच का हमें इस तरह से कट लगाना है। ये देखिए सिलाई के बाहर पे मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ, और ये देखिए अब हमें इसको क्या करना है, रॉन्ग साइड पीछे साइड को हमें इसको फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर हमारा इस तरह से फोल्ड आएगा पॉकेट का, और यहाँ पर इसको इस तरह से रख देना है। ये देखिए पीछे से हमारा फोल्ड आया हुआ है ये, और इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें ऊपर से टॉप स्टिच लगानी है। आप इस बार एक बार इसको प्रेस कर लें और उसके बाद इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। ये टॉप स्टिच लगाने के लिए देखिए कपड़े को इस तरह से रखना है, और कॉर्नर्स हमारे इस तरह से निकले होंगे, और यहाँ पर अब हम इसमें एक टॉप स्टिच लगा देंगे। ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है ऊपर से, और ये काफ़ी अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारा बनके तैयार हो गया है। अब ये जो नीचे वाला पोर्शन था पॉकेट का, जो हमारा फोल्ड आता है, हम इसको इस तरह से यहाँ पे रखेंगे, यहाँ टॉप से टॉप मिलाते हुए। अब आप ये देख सकते हैं इसको हम टर्न करेंगे तो ये देखिए नीचे वाला पोर्शन जो है ये ओपन है, तो हमें इसको सिलना है। अब चूंकि ये हमारा राइट साइड है तो हम सीधी साइड में तो सिलाई लगाते नहीं है, तो हम इसको पीछे को फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड को हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ नीचे पे इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे कोने पे सिलाई लगा दी है, नीचे का हिस्सा भी बंद कर दिया है। अब हम इसको सीधी ओर को इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से। आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको टॉप स्टिच भी लगा सकते हैं, या प्रेस कर लें, अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से हमें मिलाना है कॉर्नर में। ये नीचे से भी आप देख सकते हैं हमारा नीचे से भी फोल्ड हो चुका है, और अब हमें इसको पॉकेट को इस तरह से ऊपर पे बिल्कुल मिलाते हुए रखना है,
और अब यहाँ पर हमें बिल्कुल इसको टच करते हुए सिलाई लगानी है। ध्यान दें कि ये जो इसका पॉकेट का मुंह है ये बंद ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हमारा अंदर को हाथ जाएगा। और बिल्कुल इससे टच करते हुए लेकिन हमें सिलना है, पॉकेट का मुंह नहीं बंद होना है बस। और नीचे पे आगे को हमें सिल देना है। ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। यहाँ से देखिए ऊपर से हमें स्टार्ट करना है और यहाँ पर बिल्कुल टच करते हुए, ये देखिए बिल्कुल नजदीक पे हमें इस तरह से इसको सिल देना है। और नीचे को यहाँ से हम नीचे को बिल्कुल स्ट्रेट सिल देंगे ताकि हमारी साइड से पॉकेट बंद हो जाए। ये देखिए यहाँ पर से हमारी पॉकेट आधी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए हाथ डालने के लिए भी बिल्कुल सही बन गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसमें बैक का पोर्शन कैसे ज्वाइन करना है। तो ये मैंने बैक का पार्ट लिया है, इसको मैं दोनों के राइट साइड दूसरे की ओर फेस करते हुए हमें इस तरह से रखना है एक दूसरे के ऊपर। और एक कॉर्नर जो हमारा इस तरफ पे आएगा, ये देखिए ऊपर से बिल्कुल टॉप से हमें मिलाते हुए रखना है। ये बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। तो इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे इसको और इसमें हमें सिलाई लगानी है। लेकिन सिलाई लगाते टाइम ये बात का ध्यान देना है कि नीचे की पॉकेट हमारी बंद ना हो जाए। और यहाँ से आप इसको टच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ सिलना है, क्योंकि वो नीचे पॉकेट थोड़ी उठी उठी सी रहेगी तो आपको फील हो जाएगा वो। तो इस तरह से आप निशान लगा लें पहले और इस पे हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए राइट साइड के ऊपर बैक का पार्ट इस तरह से हमने रखा है और अब इस निशान पे हमें सिलाई लगानी है। अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं, इसको पीछे को फोल्ड करेंगे तो हमारी जो पॉकेट है उसमें हमारी एक सिलाई आई हुई है। ये देखिए ये एक जो सिलाई आई हुई है, ये जो आपको दिख रही है, इसके ऊपर आप सिलाई लगा दें। बिल्कुल इससे मैच करते हुए लगानी है, बिल्कुल टेढ़ी नहीं लगानी है, नहीं तो हमारी पॉकेट नीचे से बंद हो जाएगी। तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही आप सिलें ताकि नीचे पॉकेट बंद ना हो। और नीचे को इस तरह से अपने प्लाजो का या पैंट का नीचे का जो साइड लेग है उसको ज्वाइन कर दें। ये देखिए ये पॉकेट हमारी ज्वाइन हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ लगी है और इसका मुंह भी बंद नहीं हुआ है। और ये देखिए ऊपर से जो है हमारा थोड़ा सा ओपन है, ये देखिए पॉकेट ओपन है। तो इसको हम फ्रंट वाले पार्ट में जब बेल्ट ज्वाइन करेंगे उसके साथ ज्वाइन करते हैं। देखिए इसको फ्रंट साइड में ही ज्वाइन करना है आगे वाले हिस्से में। और ये पॉकेट बनके तैयार हो गई है।